हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो बात मुझे बहुत हर्ट करती है। आप लोग जब मैं MCQs का वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो मैं कंसेप्चुअल वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। लेकिन बच्चों, आप एक चीज़ को क्यों नहीं समझते हो? मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि जो MCQs है, ज़रूरी नहीं कि MCQs यहीं से आ जाएंगे। MCQs कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको अपना हर तरीके से तैयारी करनी है। तो आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को भी देखो। मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में जब मैं आपको एक टॉपिक कराती हूँ तो उससे रिलेटेड चार पांच जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पर बन सकते हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। तो उन वीडियोस को भी प्लीज़ इग्नोर मत करो, अच्छे से देखो। टोटली जो मेरा DBMS के वीडियोस हैं वो भी आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन MCQs में हम सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाते, पर जब एक टीचर कॉन्सेप्ट करा रहा होता है और उसको लगता है कि जितना भी जहाँ जहाँ से उसे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको ज़रूर बताता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को ज़रूर देखो। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बुक उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर यूज़ किए थे, और ये नोट्स जो हैं आप UGC NET के लिए भी तैयार कर सकते हो। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट में भी आपके काम आएंगे, और आप TGT PGDT की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, क्योंकि आप भी समझदार हैं। आज के दिन जो TGT PGDT का भी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, और आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का ही आ जाएगा या आपने मास्टर्स में जो बुक्स पढ़ी हैं वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, ये मान के चलो। और मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और पेपर ईजी आ गया, तो वो तो आपका लक है। लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो आप क्या करेंगे? हमें कमर कसनी होगी, हमें हर तरीके से मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं मान सकते। अगर हमने अपने शत्रु को कमजोर मान लिया तो हम जरूर ही मात खाएंगे अपने शत्रु से। तो इसलिए आपको हर तरीके से अपनी कोशिश करनी है और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो आज का ये जो है मोटिवेशन लेक्चर, तो बहुत जल्दी अभी मैं फिनिश कर दिया है, और अब हम करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ आर डायरेक्टरी फाउंड इन मोस्ट यूनिक्स सिस्टम। यूजर, वेट, प्रोसेस ID, ब्रेक और अनमैप। जो सबसे ज्यादा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी मिलती है वो यूजर की मिलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, यूनिक्स के अंदर डायरेक्टरी जो मिलती है वो तो यूजर में मिलती है ज्यादातर, और जितने भी डिवाइसेज होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, तो उनको भी एज अ फाइल कंसीडर करता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी एज अ फाइल सिस्टम ट्रीट किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? यूनिक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, यूजर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर एन प्रोसेसेस इन मेमोरी। ए प्रोसेस स्पेंड अ फ्रैक्शन पी ऑफ इट्स टाइम वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट टू कंप्लीट। द CPU यूटिलाइजेशन इज गिवन बाय P^n, और ये है 1 - P^-n, और 1 - P^n, और 1 - n, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो रहेगा आपका, ऑप्शन है 1 - P^n, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर 1 - P^n, लेट पी इक्वल टू 20%, प्रोसेसर यानी कि एक प्रोसेस को कितना टाइम दे रहा है, 20% अपना, और नंबर ऑफ प्रोसेसर है 1। ठीक है, अब देखिए 1 - P^n यानी कि 1 - 0.20 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 20% है तो 0.20, और raise to power 1 है यानी कि 1 - 0.20
0.80 और ये हो गया आपका 80%। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो गया यहाँ पर 80% हो गया। और अब हम करते हैं एन की वैल्यू को 2, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं 2, तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.20 रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.04। ठीक है, और ये 1 माइनस 0.04 करेंगे तो 96% हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है। जब आपके पास प्रोसेस 1 था तो 80% यूटिलाइज कर पा रहे थे, और जब आपका प्रोसेस नंबर आपके पास 2 थे तो कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे, 96%। सो आंसर होगा 1 माइनस p रेज टू पावर n। इसीलिए बच्चों मैं आपको बोलती हूँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को भी देखोगे तो कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत अच्छे से दिए जाते हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर मैं एक छोटा सा टॉपिक कराऊँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैंने मैक्सिमम एमसीक्यूज की सीरीज अपलोड कर दी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। बट जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की करने बैठी तो मुझे लगा कि बच्चों को साथ साथ कॉन्सेप्ट देना भी जरूरी है, तो पैरेलली इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी देती हूँ और एमसीक्यूज की भी देती हूँ, तो आप प्लीज़ उनको भी पैरेलली देखते रहिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेमरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल इन यूनिक्स। यूनिक्स का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, फोर्क, एम मैप, सिग एक्शन और एक्स एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटेबल वीई। ठीक है, फोर्क आपको पता ही है कि एक नया प्रोसेस जब आप जनरेट करते हैं तो उसको फोर्क कमांड की हेल्प से करते हैं, ये आपकी एक सिस्टम कॉल है, कमांड नहीं बोलेंगे इसे हम, एक सिस्टम कॉल बोलेंगे। एग्जाम में बहुत बार फोर्क के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्क एक सिस्टम कॉल है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को जनरेट करते हैं यूनिक्स के अंदर। और एम मैप क्या है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का है, ये मैपिंग करता है मेमोरी के साथ यूजर प्रोसेसेस की, तो आंसर तो रहेगा आपका एम मैप। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम मैप, एम मैप, फाइन। अगला है विद 64 बिट वर्चुअल एड्रेसेस, ए 4 KB पेज एंड 256 MB ऑफ रैम एंड इन्वर्टेड पेज टेबल रिक्वायर्स। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या के अंदर आपके पास, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या है कि 64 आपके पास वर्चुअल एड्रेसेस हैं 64 बिट में, और जिसमें से एक 44 KB का पेज है। पेज का साइज क्या बताया, 4 KB। ठीक है, और मेमोरी का साइज, रैम का साइज क्या बताया है, 256 MB। एन इन्वर्टेड पेज टेबल रिक्वायर, कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर। आप देखिए फॉर्मूला जो है आपका, ये है रैम साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज। अब रैम साइज कितना है, 256 MB। ठीक है, और पेज साइज क्या है, 4K। तो पहले आप क्या करेंगे, जो आपका 256 MB है इसको KB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो KB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1024 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 256 को। ठीक है, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, 4K होगा आपका 262144 KB। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ठीक है, अब 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा 6,55,536 रहेगा। ये आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखिए आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा, 4 6 24, रिमाइंडर 2, फिर आपका 4 5 20। अब देखिए आपके पास जो एंट्रीज है वो 6 5 की रेंज में, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो रहेगा आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स कमांड यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल इज NC WC CHCNT और LC। अब जो आपकी यूनिक्स कमांड है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने के लिए, वो कमांड होती है आपकी WC।
अब WC कमांड का क्या होता है, WC यानी कि वर्ड काउंट। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर की पूछ लिया लेकिन आपको लगता है कि तो वर्ड काउंट करने के लिए, कैरेक्टर काउंट करने के लिए नहीं है। तो बच्चों WC कमांड जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने के लिए यूज होती है यूनिक्स के अंदर। तो आंसर जो रहेगा आपका बी रहेगा, WC। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोग्राम इज लोकेटेड इन द स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल इन द मेमोरीज, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट और बड़ी। देखिए आप देख रहे होंगे बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और बड़ी, सॉरी बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट जो होते हैं, होते हैं आपके मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम्स है, ठीक है। और बेस्ट फिट में हम क्या करते हैं, जो आपको सबसे छोटा होल अवेलेबल हो पेज साइज के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम साइज के अकॉर्डिंग आपने स्मॉलेस्ट पेज को सर्च किया जो आपके प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट होगा, उसको हम बेस्ट फिट बोलेंगे। फर्स्ट फिट में क्या होगा कि जो मेमोरी के अंदर आपको फर्स्ट होल जो फ्री मिलेगा आप उसमें ही प्रोग्राम को अलोकेट कर देंगे। दूसरा वर्स्ट फिट, आपके प्रोग्राम का साइज छोटा है लेकिन आपका जो मेमोरी का जो होल है उसका साइज बड़ा है लेकिन आप उसको अलोकेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं वर्स्ट फिट। तो यहाँ पर पूछा गया है स्मॉलेस्ट अवेलेबल, तो स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल जो होगा बेस्ट फिट टेक्नोलॉजी, बेस्ट फिट एल्गोरिथम के बेस पर होगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस स्टूडेंट दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सेमाफोर काउंट्स ऑफ नेगेटिव एन मींस दैट द क्यू कंटेन्स मीन्स वेटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा कि सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, देखिए सेमाफोर की वैल्यू को हम दो तरीके से असाइन करते हैं, ठीक है। सेमाफोर एक हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एन प्रोसेसेस जो हैं आपके क्रिटिकल सेक्शन में है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो एन प्रोसेस अगर आपके क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो आपका जब पॉजिटिव सेमाफोर की वैल्यू होती है, यानी कि एस इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि काउंट लिया आपने वैल्यू को तो यहाँ पे आपने काउंट पॉजिटिव कर दिया। तो और नेगेटिव जो होता है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन खाली एकदम से, और उनको ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक कहाँ पे किया गया है, वेटिंग क्यू के अंदर उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो जब आपके पास सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा कि कितने प्रोसेस वेट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेट कर रहे होंगे, एन प्रोसेस वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एन जो होगा आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वो कैसे, अभी मैंने बताया कि सेमाफोर की दो टाइप की आप इनकी वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस आपका रनिंग में नहीं, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, सभी के सभी प्रोसेसेस जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं और वेटिंग क्यू में है वो। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि कितने प्रोसेस है, एन प्रोसेसेस हैं जो वेटिंग में है, ठीक है। सो आंसर जो होगा आपका एन रहेगा। Our next question is, a page fault is an error specific page is an access to the page that not currently in the memory occur when a page program occur in a page memory page used in the previous page reference। देखिए page fault कब अकर होता है, आपके पास जब आप किसी भी प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, मान लीजिए ये आपकी मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जब आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर कोई पेज लेकर आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, तो उससे पहले क्या होता है कि CPU जब उसको पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो एक पेज फॉल्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो पेज फॉल्ट जनरेट करने के बाद जैसे ही CPU पेज फॉल्ट जनरेट करता है तो वो पर्टिकुलर पेज नंबर जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सर्च होता है और वापस कहाँ भेज दिया जाता है, मेन मेमोरी के अंदर उस पेज को भेज दिया जाता है। यानी कि करंटली जो पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट आए कि उस पर्टिकुलर पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेकर आया जाए तो हम पहले पेज फॉल्ट अकर होगा, और पेज फॉल्ट अकर होने से जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रिलेटेड पेज मिलेगा वो उसको स्वैप इन कर दिया जाएगा मेन मेमोरी के अंदर। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्रोसेस मैनेजमेंट राउंड रॉबिन मेथड इज असेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राउंड रॉबिन के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस मान लीजिए प्रोसेस P1, P2 और P3 है,
और प्रोसेस P1 का टाइम है 5 सेकंड का, इसका है आपका 7 सेकंड का, और प्रोसेस P3 का टाइम है आपका 10 सेकंड का। ठीक है, तो अब टाइम स्लाइस असाइन किया आपने, टाइम स्लाइस बोल सकते हैं या आप इसको टाइम क्वांटम बोल सकते हैं। टाइम क्वांटम दिया आपने 3 सेकंड का, तो सबसे पहले सीपीयू किसको पिक करेगा, प्रोसेस P1 को। उसके बाद आफ्टर 3 सेकंड किस पे स्विच करेगा, प्रोसेस P2 पे, उसके बाद P3 पे। यानी कि क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर के बेस पर है ये चीज़, ठीक है, बट उनको 3 टाइम स्लाइस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे वो स्विच करता जाता है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन किसका, ये FIFO का है, बहुत आसान सा है, और अगर आपको नहीं आता तो मुश्किल भी है। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रो प्रोसेसर इज एटलस, CPM, SAC और देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। CPM जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, और वैसे जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, DOS, ठीक है, प्रोसेसर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो माइक्रो प्रोसेसर की हो रही है, तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था CPM, और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसर के लिए था ये DOS था। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से कीजिएगा। एक टीचर एक यही रिक्वेस्ट कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है और आपको सही गाइडलाइन दे सकता है। आगे आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार अगर आप इनको देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी